श्री अशोक गहलोत जी, श्री सचिन पायलट जी, श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, श्री गोविंद दोस्तासरा जी, श्री सीपी जोशी जी, श्री रमेश मीना जी, श्रीमती शकुंतला रावत जी, श्री जुबैर खान जी, श्री प्रशांत बैरवा जी, श्री काजी निजामुद्दीन जी, श्री वीरेंद्र राठौर जी, अमृता धवन जी, गोविंद राम मेघवाल जी, हरीश मीना जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, सरकारी अधिकारी और मेरे भाइयों और बहनों, आपको इस सभा में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वीर भूमि राजस्थान का सभी भाइया बहनों ने मारो राम राम साहब। मने विश्वास है कि जोधपुरिया देव जी और धन्ना भगत जी का आशीर्वाद मो थे सगला अच्छा हो। दुनिया के कोने कोने से लोग भक्ति, शक्ति, वीरता और अपनायत की धरती राजस्थान में आते हैं, इस धरती को देखने आते हैं, इस धरती के बारे में सीखने आते हैं, यहाँ की पुरानी कहानियों को सुनने आते हैं और ये देखने आते हैं कि यहाँ की वीर और साहसी जनता किस तरह से अपने जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ रही है। आपका प्रदेश कर्तव्य, सेवा और वीरता का मिसाल है। इस प्रदेश पर, राजस्थान पर हमारे पूरे देश को गौरव है। आप बहुत तालियां बजा रहे थे, एक बार मेरे साथ कहिए, जोधपुरिया देव जी की जय, धन्ना भगत जी की जय, अन्नपूर्णा गणेश जी की जय, डिग्गी कल्याण जी की जय। डिग्गी कल्याण जी की कथा तो आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये आपकी परंपरा का हिस्सा है। आपको याद होगा कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए राजा को बहुत तपस्या करनी पड़ी, तभी जाकर वो प्रसन्न हुए। उसी तरह से जो हमारा देश एक लोकतंत्र कहलाया जाता है, लोकतंत्र में जनता ही भगवान होता है, धोती है, जनता जनार्दन है। जनता की सेवा, उसका सत्य, उसका सच्चा अर्थ क्या होता है कि जनता सबसे सर्वोपरि है, परी है, सबसे ऊंची जनता होती है। यही हमारी देश की राजनीतिक परंपरा रही है। आप अगर गांधी जी को देखें, जिसने देश की राजनीतिक नींव डाली, स्वतंत्रता संग्राम लड़ा हमारे लिए, इस देश को आजाद किया, उनको देखिए उनमें कितनी सादगी थी, किस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की जनता को दिया। हमेशा ये कहते थे कि देश का गरीब सर्वोपरि है, कहते थे कि जब तक इस देश के एक भी वासी के आंखों में आंसू है, जब तक वो आंसू हम नहीं पोंछ पाएंगे, तब तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ। यही हमारी लोकतंत्र की नींव है, हमारी राजनीति की नींव है। आज राजस्थान सरकार भी अपने जन कल्याणकारी कार्यक्रम से, योजनाओं से इसी तरह आगे बढ़ रही है, ये समझकर कि गरीब को गणेश जी समझकर और किसान को भगवान समझकर। यही भावना मन में लेकर सरकार के जितने भी अधिकारी हैं,
और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेतागण हैं, सब इसी भावना को मन में लेकर दिन रात काम कर रहे हैं। आज मैं सवाई माधोपुर से आई, वहां आप सबको मालूम होगा, खासतौर से मेरी बहनों को, कि वहां रणथंभौर के किले में एक प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है। गई हुई है ना? हाँ, मैंने देखा है। जब भी मैं आती हूँ तो खूब सारी खासतौर से महिलाएं जाती हैं, और मुझे हमेशा ताज्जुब होता है जब मैं उस रास्ते से गुजरती हूँ। मैं भी गई हूँ उस मंदिर में कई बार, तो जब वापिस आती हूँ, कभी कभी शाम हो जाती है, जंगल है वहां, आप गई हैं, आपने देखा होगा, उसी रास्ते से शेर आते हैं, उसी रास्ते से बाघ चल के आते हैं, उसी रास्ते से कई ऐसे जानवर आते हैं जिनसे अगर आमना सामना हो जाए तो आपको दिक्कत हो सकती है, चोट पहुंच सकती है। लेकिन मैं हमेशा देखती हूं कि मंदिर से आते हुए जो लोग हैं वो अपने दिल में श्रद्धा लेकर एक आस्था रखते हैं कि हम मंदिर से आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं होगा, और उसी जंगल के रास्ते से चलते चलते वो अपने घर की ओर चलते हैं। मेरे मन में अक्सर ये बात आती है जब मैं मंदिरों में जाती हूं, लोगों की श्रद्धा को देखती हूं, कि इस तरह की श्रद्धा हम नेताओं के दिल में आपके लिए होनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि जनता जनार्दन है, तो ये बहुत गहरी बात है, और इस बात को समझना जनता के लिए भी और नेताओं के लिए भी बहुत जरूरी है। हमें समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम दिन रात काम करते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं, तो अक्सर ये होता है कि अपनी महत्वाकांक्षाएं आगे हो जाती हैं, ये हो जाता है कि बहुत सत्ता मिल जाती है इंसान को, तो भूल जाता है कि सत्ता में लायक कौन। और आपको याद ये बात रखनी चाहिए, क्योंकि आपको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि सत्ता देने वाले आप हैं। आज इन कार्यक्रमों में मैं एक नौजवान लड़की से मिली, शायद मेरी बातों को सुन रही होगी, उसे मोबाइल फोन मिला, अशोक गहलोत जी की जो स्कीम है, जो भाई सरकार कांग्रेस सरकार की स्कीम है, उसके जरिए, और उन्होंने धन्यवाद दिया कि आपने हमें मोबाइल दिया है। और हम भी अक्सर कहते कि हमने ये दी आपको, स्कीम ये दी आपको, ये किया वो किया आपके लिए, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि हम आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, आपका हक दे रहे हैं। ये सब चीजें जो आज राजस्थान की सरकार आपको दे रही है, ये आपके हक हैं। आज देश में परिस्थिति ये है कि देश पर राज करने वाले भाजपा के नेताओं के मन में इतना अहंकार आ गया है कि ये बातें भूल चुके हैं। वही प्रधानमंत्री जो अपने आप को भूमि पुत्र कहते थे, आज करोड़ों के काफिले में चल रहे हैं। अगर आप महंगाई से जूझ रहे थे महंगाई राहत कैंपों से पहले, अगर आपके जीवन में अत्यंत मुश्किलें थी, तो ये किस लिए थी? कभी आपने ये सवाल उठाया है कि इतनी महंगाई क्यों? हमें जब रोजी रोटी के लिए कमाने जाना पड़ता है, हमें थोड़े से पैसे मिलते हैं, हम जब दुकान जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, मन में शायद बात होगी आपकी मेरी बहनें, कि आज मैं सब्जी बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, तो आप इस आशा से जाती हैं दुकान की आपको दो चार चीजें खरीद के आएंगी, लेकिन हमेशा आप वापस आ जाती थी आधी चीजें लेकर। गैस का सिलेंडर आज देश भर में 1000 रुपए का है, कौन खरीद सकता है? क्या आप खरीद सकती हैं? यहां पर राजस्थान की सरकार ने आपको 500 में क्यों दिया है सिलेंडर?
क्योंकि देश भर में जो महंगाई है उसकी भाजपा के नेताओं को कोई परवाह नहीं है। जब घर पर कोई बीमार पड़ जाता है, अस्पताल ले जाना पड़ता है, इलाज कराना पड़ता है, तो एक तो बीमारी का टेंशन होता है कि किस तरह से इलाज होगा, दूसरा हम कितने पैसे लगेंगे, तीसरा कि हम कमाएंगे कैसे इनका इलाज कराने के लिए। इसी तरह से कोई घर में एक कमरा बनाना हो, डर लगता है कि कितने का होगा, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम खर्च कर सकते हैं, बारिशें आ रही हैं, पानी चू रहा है ऊपर छत से, छत की मरम्मत करने के लिए आप 10 बार सोचते हैं कि करना चाहिए कि नहीं, हमारे पास शायद पैसे नहीं होंगे। ये नौबत क्यों आई है आज इस देश में कि प्रदेश की सरकारों को महंगाई राहत कैंप लगवाने पड़ रहे हैं, जब पूरे विश्व में तेल की बड़ी बड़ी कंपनियां खूब मुनाफा कमा रहे हैं और यहां भारत में भी, तो आपके लिए तेल इतना महंगा क्यों? आपने ये सवाल उठाया है, आपको ये सवाल उठाने पड़ेंगे कि ये सब जो आपको दिख रहा है इसमें असलियत क्या है। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में खूब बारिश आई, बारिश की वजह से टीवी पे आपने देखा होगा इतने सारे लोगों के घर गिर गए, खूब भारी नुकसान हुआ, जनता ने झेला ये नुकसान, हमारी सरकार ने प्रयास किया कि उनकी मदद हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मित्र बड़े उद्योगपति अडानी जी ने क्या किया? जो सेब को उगाते हैं, जो सेब की पेटियां हैं उनको बेचने के लिए जब किसान गए तो उन्हें दाम घटा दिए, खरीदने का दाम घटा दिया। जिनको अपने घर बनाने पड़े क्योंकि इतनी बर्बादी हुई, घर पे घर गिर गए, जिनको अपना घर बनाना था सीमेंट खरीदने गए, अडानी जी ने सीमेंट का दाम ऊपर कर दिया है, बढ़ा दिया है। और इनके पीछे कौन है? इनके पीछे हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने इस देश की पूरी संपत्ति अपने उद्योगपति मित्रों को दे दी। अब इस देश की संपत्ति किसकी संपत्ति थी? आप ही की संपत्ति थी, ये मेरी बैठी बहनें जो बैठी हुई हैं इनकी संपत्ति थी। आज अगर पुरानी पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारी रो रहा है तो क्यों रो रहा है? क्या उसका हक नहीं था कि 20-25 साल नौकरी करने के बाद उसे पेंशन मिलता, उसे सुरक्षा मिलती अपनी जीवन की, अपने परिवार के लिए? क्यों छीना गया ये? और जब इसको देने का समय आता है तो ये केंद्र की सरकार क्यों कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है? क्योंकि इनके जो बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं उनके हजारों करोड़ों के जो लोन हैं वो ये माफ कर रहे हैं, उनसे कुछ नहीं लेते, और यहां आपका पेंशन छीना जा रहा है, आपके रोजगार छीने जा रहे हैं। यहाँ के कितने वीर नौजवान हमारी सरहद पे खड़े होकर हमारे देश की सुरक्षा को देखते हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं, और केंद्र की सरकार ने क्या किया? अग्निवीर स्कीम ले आए, अग्निवीर स्कीम ले आए कि 4 साल बाद आप घर जाइए, नौजवान ट्रेनिंग करेगा, काम करेगा। चाहिए था केंद्र सरकार को, वह भी नहीं किया। हर चीज के लिए उन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को आगे रखा और जो जनता है उसको पीछे रखा। आज यह स्थिति है कि 45 सालों में सबसे अधिकतम बेरोजगारी आज है हमारे देश में। जब आपके सामने चुनाव के लिए वोट मांगने आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अक्सर बीच में धर्म को ले आते हैं, जाति को ले आते हैं, अलग अलग बातों को ले आते हैं जिससे आपके जज्बात जुड़े हुए हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, एक बात को पूरी तरह से आप समझ लीजिए, ये चुनाव किसी दो राजनीतिक पार्टियों के दौड़ में कौन प्रथम आएगा उसका चुनाव नहीं है,
ये चुनाव आपके भविष्य का चुनाव है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको आपका हक आपको कौन देने के लिए तैयार है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि भाजपा ने 8 सालों में जो सरकार चलाई है इस देश में, उसने आपके हक को बार 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 खत्म किया है। जिन बड़े बड़े उद्योगों से आपको रोजगार मिलता था, उन्हें चुपचाप से एक के बाद एक अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिया, आपके पेंशन कटवा दिए, आपकी सेना में भर्ती होने के चांस खत्म कर दिए, अग्निवीर ले आए, महंगाई बढ़ा दी, और खुद इतने बड़े काफिलों में चल रहे हैं। रोज रोज आप टीवी चलाते हैं, आपको दिखता है रोज रोज, खास तौर से आजकल। आज सुबह तो मैंने देखा कि इनके G20 जब हो रहा था तो बारिश आई और सारा जितना भी वो जहां पे वो G20 की मीटिंग रख रहे हैं उसमें सारा पानी फैल गया है। मेरे मन में एक बात आई कि शायद जो हमारे देशवासी डर के मारे कह नहीं पा रहे, भगवान ने कह दिया कि अपना अहंकार कम करो, अपना अहंकार कम करो। इस देश ने तुम्हें बनाया है, इस देश ने नेता बनाया है, इस देश को आगे रखो, इस देश की जनता को सर्वोपरि बनाओ। जब ये अपने धनवान मित्रों को सरकार की सारी कंपनियां सौंप देते हैं तो नुकसान कौन उठाता है? जब ये बड़े बड़े खर्चे करते हैं तो नुकसान कौन उठाता है? सबसे ज्यादा नुकसान मेरी बहनें उठाती हैं, क्योंकि जो पैसे आपकी भलाई के लिए आपके पास आने चाहिए वो नहीं आते। आपने देखा होगा कि राजस्थान की सरकार ने आपके लिए कितनी स्कीम निकाली है। पुराना पेंशन आज आपको राजस्थान में मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये मुमकिन है ना, ये मुमकिन है, इसलिए हो रहा है। आज जितनी भी स्कीमें हैं जिनके बारे में मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया, जिनके बारे में यहाँ पे सारे बोर्ड लगे हुए हैं, कि चाहे वो इंदिरा रसोई हो जिसमें आपको 8 रुपए में पूरी थाली मिल रही है खाने की, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो जिससे आपका इलाज मुफ्त में हो रहा है, चाहे महिलाओं के लिए मोबाइल का स्कीम हो जिससे नौजवान महिलाओं के लिए खास तौर से अच्छा है क्योंकि आप इस पर पढ़ाई कर सकते हैं, सब जानकारियां आपको इस पर मिल सकती हैं, और आपकी सुरक्षा के लिए भी अच्छा है कि कभी आप ऐसी स्थिति में हो तो आप घर फोन कर सकते हैं, किसी को बुला सकते हैं। तो ये सब स्कीमें कैसे हो रही हैं राजस्थान सरकार द्वारा? ये तभी हो रही हैं क्योंकि ये जो पैसे हैं सरकार के पास जो होते हैं ये आपके लिए होते हैं। जिस सरकार की नीयत सही होती है वो इस संपत्ति को आपकी भलाई के लिए खर्चती है, और एक ऐसी ही सरकार आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार है। मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर, आपको मालूम है, जनता से 32 लाख करोड़ रुपए खींचे हैं और उन रुपयों का मनमाने के इससे खर्च करते हैं। ऐसे बड़ी बड़ी महफिलों में, अपनी बड़ी बड़ी कारवाओं में, तो आपके लिए फिर क्या बचता है? इनका ध्यान सिर्फ सत्ता को पकड़ के रखने में रहता है। आपने देखा होगा कि कितनी सरकारें इन्होंने ऐसे ही गिरा दी, किसी को पैसे खिला के, किसी को धमका के, किसी को डरा के। जब सरकार का ध्यान सिर्फ सत्ता में रहने के लिए रहता है, जब उनकी पूरे जितने भी उनके प्रयास हैं इसी में रहते हैं कि हम किस तरह से इस कुर्सी पर बैठे रहें, तो वो आपकी भलाई नहीं देखते, आपको भूल जाते हैं। उनके लिए आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जरूरतें हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं रहती। और ऐसी ही सरकार आज केंद्र में चल रही है। इस सरकार में धनवान का जय जयकार है, सिर्फ धनवान का जय जयकार है। और जो आपकी जरूरतें हैं, आपकी समस्याएं हैं, उनको हल करने का कोई नामो निशान नहीं है। इसीलिए इतना बोझ
प्रदेश की सरकारों पर पड़ रहा है कि हर चीज के लिए आपको, आपके लिए राहत दिलवाने के लिए, आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए इनको करना पड़ रहा है। और ये सही भी है। और जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं जो उपस्थित हैं इस मंच पर, वो सब आप ही के लिए प्रयास करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको आपका हक मिले और हर तरह से आपके लिए काम हो। देवनारायण जी की श्रद्धा, डिग्गी कल्याण जी के विचार, धन्ना भगत जी के का मिसाल, इन्हीं पर कांग्रेस काम कर रही है। केंद्र द्वारा जो बढ़ती महंगाई का सामना करने के लिए राजस्थान कांग्रेस सरकार ने आपकी मदद की, उसका पूरा प्रयास दिन रात होता है। देश में सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा का कार्यक्रम राजस्थान में है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1000 इंदिरा रसोई आज से शुरू हुई हैं। वहीं इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर स्कीम में आपको गैस सिलेंडर 500 रुपए का मिल रहा है। साथ साथ मेरी बहनों के लिए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन की जो योजना है, जिसका मैंने जिक्र किया, इससे आपको सुविधा होगी। कांग्रेस सरकार की नीतियों के चलते 1 करोड़ से ऊपर उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य आया है। अभी मैं कुछ लोगों से मिली थी, किसान थे, बहुत खुश थे कि अब बिजली बिल कम से कम शून्य पे आ रही है तो उनको, उनकी कुछ कमाई हो रही है। बहुत दिनों से कमा ही नहीं पा रहे थे क्योंकि केंद्र सरकार की नीतियों के चलते बहुत ज्यादा महंगाई का बोझ आप पर है। जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट है, उनके माध्यम से आपको गेहूं, दाल, चीनी, तेल और नमक और मसाले मिल रहे हैं। देखिए, जब इस देश को बनाया, इसकी आजादी की लड़ाई लड़ी, जब इसको बुलंद किया, तो सिर्फ एक इंसान ने नहीं किया, चाहे वो महात्मा गांधी ना हो, लेकिन अकेले ये काम उन्होंने नहीं किया। ये काम उन्होंने आप सबके साथ, आपके पूर्वजों के साथ मिलजुल कर किया। इस देश को आजादी दिलवाने वाली जनता थी। इस देश को बुलंद बनाने के लिए भी जनता खड़ी है। जब हमारा देश आगे बढ़ता है तो ये काम जनता का काम होता है, सिर्फ एक जने का नहीं। लेकिन आज जो परंपरा हमारे सामने, एक नई परंपरा चल रही है, उसमें ऐसे लगता है कि सिर्फ एक नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी, सारी चीजें कर रहे हैं। तो अब जनता, आप समझदार हैं मेरी बहनों और भाइयों, आप में विवेक है, हर रोज आप अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो इस बार एकदम सोच समझ के अपना वोट दीजिए। ये सब सवाल जो मैंने उठाए हैं, अपने मन में इनको रखिए कि इस देश को बनाने वाला कौन है, आप हैं। नेताओं को बनाने वाला कौन है, आप हैं। तो जब आप अपनी सरकार चुनने जाएंगे तो आप पूछिए उनसे, भाजपा के नेताओं से पूछिए कि राजस्थान की वीर धरा से कितने रोजगार दिए उन्होंने, बताएं मोदी जी। राजस्थान में केंद्र की कितनी योजनाएं दी है उन्होंने, ईआरसीपी पर मोर क्यों है, जबकि उसके होने से इस पूरे इलाके की तरक्की हो जाती। वो बताएं कि जनहित में जब रेलवे प्रोजेक्ट जो हमारी सरकार ने बढ़ाए थे उन्हें रोका गया, तो इसके पीछे उनकी क्या सोच थी। जब हमारी सरकार थी केंद्र में, तब जो पैसे केंद्र से आते थे वो 90% होते थे। योजना में जब योजना शुरू होती थी तो उसके अनुपात के लिए, आज 50% आते हैं। ये कम क्यों किया, ये पूछिए। बहनों और भाइयों, मसला साफ है, चुनाव आ रहे हैं। आपको मालूम है, हर 5 साल आते हैं, हर 5 साल एक नई सरकार आती है, आप उसे मौका देते हैं। काम करने का मौका होता है, दिखावा का मौका नहीं होता, झूठ बोलने का मौका नहीं होता।
अपने लिए नेताओं को महलों और बड़े बड़े काफिलों का मौका बनाने का मौका नहीं होता। जो सरकार आती है उसे आपके लिए काम करने का मौका आप देते हैं। आपने देखा है कि अशोक गहलोत जी की सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार का ध्यान सिर्फ आपके विकास और आपको आगे बढ़ाने में गया है। आप अपने अनुभव से ही देखिए कि भाजपा की सरकार, उनकी नीतियां सिर्फ अमीरों को आगे बढ़ाने के लिए हैं, गरीबों को, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है इनकी नीतियों में। मोदी जी विदेश जाते हैं, वापस आते हैं, कहते हैं कि बहुत हमारे देश का आगे बढ़ा है, हमारा देश, हमारा मान इतना बड़ा है। बाद में आपको पता चला कि वहां गए और उनके उद्योगपति मित्रों के लिए वो डील कराए आए हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों को खूब वहां से बिजनेस मिल रहा है। तो आप ही बताइए कि आपको ऐसी सरकार चाहिए जो सिर्फ गिने चुने अमीर लोगों को आगे बढ़ाए, कि आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो आपके लिए महंगाई के राहत कैंप लगाए, जो आपके लिए इंदिरा रसोई जैसी योजना लाए, जो महिलाओं को मोबाइल फोन दिलवाए, जो किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी कमाई को बढ़ाने के लिए बिजली के बिल माफ करें, उनके कर्ज माफ करें। यह निर्णय आपको लेना पड़ेगा और ये एक बहुत बड़ा निर्णय है, इसको हल्के में मत लीजिए। जैसे ही भाजपा की सरकार राजस्थान में वापस आएगी, आप देखिए ये सारी स्कीम बंद हो जाएंगी। जितनी भी अच्छे काम कांग्रेस की सरकार ने किए हैं वो सब रुक जाएंगे। इसीलिए ये चुनाव जब आएगा, अगर आप अपने विवेक को इस्तेमाल करके सोच समझ के वोट नहीं देंगे तो आप अपना ही नुकसान करने जा रहे हैं। मैं यहां मंच पे खड़े होकर आपको कहना चाहती हूं कि ये देश आपका है, प्रदेश आपका है। जैसे मैंने शुरू में कहा, दुनिया भर से लोग आपके प्रदेश में आते हैं। आपकी वीरता अपार है, आपका संघर्ष अपार है। आप जानते हैं कि इस देश में जो नेता आते हैं वो दो तरह के होते हैं, क्योंकि आपका अनुभव अपार है। आप शुरू से देखते आ रहे हैं कि कैसी सरकारें आपके प्रदेश में चलते हैं, कैसे नेता होते हैं। दो तरह के नेता होते हैं बहनों और भाइयों, एक जिसका धर्म सेवा होता है, जो समझता है कि जनता ही सर्वोपरि है, और दूसरा जिसके मन में लालच, अहंकार और महत्वाकांक्षा होती है। इसीलिए आज इस मंच पर खड़े होकर मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप ऐसे नेता चुनिए जिनके मन में अहंकार नहीं, आपके लिए श्रद्धा हो। आप ऐसे नेता चुनिए जो आपको भूलकर आपकी मुश्किलों को बढ़ाने का काम न करें, लेकिन आपको हर रोज सुबह याद करें और आपकी मुश्किलों को कम करने का काम करें। आप एक ऐसी सरकार चुनिए जैसी कांग्रेस की सरकार 5 सालों के लिए राजस्थान में रही है, जो आपके लिए, आपकी राहत के लिए, आपकी सहायता के लिए दिन रात एक करे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी गर्मी में आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी। आशा है कि आपके मन में ये बातें रहेंगी और आप चुनाव के समय इन्हें याद रखेंगी और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।